हेलो फ्रेंड्स, टेक भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले बिहार नगर पालिका चुनाव का रिजल्ट कैसे देखे, या किसी प्रत्याशी को कितना वोट मिला, कौन प्रत्याशी जीता, कौन प्रत्याशी हारा, या किस प्रत्याशी ने कितने वोटों से जीता, कौन प्रत्याशी कितने वोटों से हारा, इसका पूरा लाइव रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ पता चलेगा, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला, कौन प्रत्याशी हारा, कौन प्रत्याशी जीता, ये सब कुछ आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिहार नगर पालिका चुनाव का लाइव रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर दें, और जैसे भी ब्राउजर ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है SEC। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे sec.bihar.gov.in लिखेंगे, और नहीं तो sec.bihar लिख कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर सर्चिंग करने में दिक्कत भी होता है, अर्थात लिखने में दिक्कत होता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इससे आपकी सहूलियत होगी। इसलिए मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे वीडियो पूरा देख लीजिए कैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 10 सेकंड तक सर्चिंग का ऑप्शन आता है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे अपडेट के बारे में लिखा गया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन जो दिया जा रहा है ना, इस पर सिंपल एक बार क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 के बारे में दिया गया, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आएंगे मतदाता कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ पे मतदाता कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, 3 नंबर पर निर्वाचन परिणाम देखिए न्यू जोड़ा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कॉर्नर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू वाला जो ऑप्शन दिया निर्वाचन परिणाम देखें, न्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है पद का नाम सेलेक्ट करने के लिए, अर्थात किस पद का यहाँ पर रिजल्ट देखना चाहते हैं, मुख्य पार्षद, उप पार्षद या वार्ड पार्षद, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुख्य पार्षद का देखना चाहते हैं, आपको जिसको देखना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, आपका जो जिला होगा उसको सेलेक्ट करना है, हम किसी भी जिला का दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नगर निकाय का प्रकार, अर्थात यहाँ वहाँ पे नगर परिषद है, नगर पंचायत है या नगर निगम है, ठीक है, आपको देख लेना है। नगर निगम मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, नगर निगम बहुत कम होता है, उसका नगर परिषद जनरली जिला मुख्यालय हो जाता है, और नगर पंचायत यहाँ पे क्या हो जाता है, अंचल कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय होता है ना, उसमें कई ऐसे बड़े शहर होते हैं वहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा रहता है, तो आपको देख लेना है कि यहाँ से कौन सा है। तो हम यहाँ पर नगर परिषद सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नगर निकाय का नाम आता है, कौन सा नगर निगम, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे जिला, उसके बाद यहाँ पर पद सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर नगर परिषद रहेगा वही नाम आएगा। अगर हम नगर निगम सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर दूसरा नाम आ जाए, जैसे नगर निगम सेलेक्ट किए तो यहाँ पे दूसरा नाम आ जाता है, ठीक है। आपका जो सेलेक्ट होगा उसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नगर निकाय का है, जिसको आपको देखना है, एक होगा तो एक ही दिखेगा, दो होगा तो दो दिखेगा, तीन होगा तीन दिखेगा, यहाँ पे हम चौकी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट खुल कर आ जाता है। हम यहाँ पे हिंदी में कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी होगा, और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जिला का नाम आ जाता है, अनुमंडल आ जाता है, और नगर निकाय कौन सा है ये भी देखने को आपको मिल जाता है, अर्थात नगर निकाय में नगर परिषद है, पद का नाम मुख्य पार्षद है, प्रत्याशी के नाम देख लीजिए जितने भी प्रत्याशी है कितना किसको वोट मिला है, ये सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और जो विजय प्रत्याशी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में, उसका नाम देखने को मिल जाता है, अर्थात ये विजयी हुए हैं, अर्थात ये चुनाव जीत चुके हैं, उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आज नहीं कभी भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मुझे 10 वोट से हारे, 15 वोट से हारे, आपको यहाँ पे देखने पर सब कुछ पता चलेगा कि कौन कितने वोटों से हारा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड विजेता मतलब बात करें तो इनको 5500 वोट मिला, इनको 8000+ वोट मिला, तो यह विजयी होता है, जिनको सबसे अधिक वोट मिलता है वह विजयी होता है। तो इस प्रकार से आप बिहार के किसी भी नगर पालिका चुनाव का वोट बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो पसंद है, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।